एवरीवन, दिस इज थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो अभी आईएमयू सीटी में सिर्फ बचा है एक महीना और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अंधेरे में तीर चला रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है और कुछ बच्चे इतने टेंशन में आ चुके हैं कि उनको पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब वो सोच रहे हैं कि अब पढ़ के क्या ही होगा, अब जाके एग्जाम ही दे देते हैं और जाके वहां पर बस टिक टिक अपने मन से कर देंगे, पास हो गए तो ठीक है, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर तैयारी कर लेंगे। तो मेरे भाई लोग, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये स्कूल का कोई यूनिट टेस्ट नहीं है जिसमें आप बिना तैयारी के जा रहे हैं या फिर इसको हल्के में ले रहे हैं। ये आपके कैरियर का सवाल है, यहाँ पर बात आ जाता है आपके जिंदगी का। और अभी लगता होगा कि ये जो कि एक साल का गैप ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक ही साल है ना, इस साल नहीं होगा तो अगले साल कर लेंगे, तो अभी ये कम लग रहा है एक साल। बट धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तब रियलाइज होगा कि ये जो एक साल का गैप था ना, ये कितनी बड़ी गलती थी। और ये गलती का रियलाइजेशन तो तभी हो जाएगा जब तुम्हारा गैप लग जाएगा और जब तुम प्रिपरेशन कर रहे होगे, तब जो स्ट्रेस पड़ेगा तुम पे और जो तुम्हारा कंडीशन होगा, तब तुमको पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो वो गलती करने से पहले ही अभी ही उस चीज को सही कर लो, मतलब कि अभी ही आईएमयू सीटी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। मानते हैं अगर अभी लेट हो गया है तो कम से कम आईएमयू सीटी में अच्छा रैंक ले आओ ताकि फैब बैच में एडमिशन मिल जाए। अगर तुम्हारा आईएमयू सीटी में रैंक नहीं आता है तब तो एक साल बर्बाद होना कन्फर्म है। मान लो रैंक आ भी जाता है और अगर रैंक अच्छा नहीं आता है तो कोई कंपनी फैब बैच में प्रेफर नहीं करेगी। और कुछ कुछ मान लो अभी रैंक भी आ गया और किस कंपनी में तुमको स्पॉन्सरशिप मिला भी है, मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे यार। सो बेटर है कि आईएमयू सीटी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। और बात आती है कि अब प्रिपरेशन कहां से करें, कैसे करें। सो देखो, सिंपल सी बात है, अभी आईएमयू मेट में हम लोग एक बैच ला रहे हैं, 30 डेज का बैच है और ये क्रैश कोर्स टाइप का होगा जिसमें तुम्हारा अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, तुम्हारा एक साल बर्बाद करने से अच्छा या फिर 6 महीने बर्बाद करने से अच्छा है अगर तुम 3000 रुपीज स्पेंड करके अच्छे से क्लासेस कर लेते हो जहां पर तुमको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा और साथ में तुमको ये तो हो जाएगा कि हाँ ये चीजें ही पढ़नी है, तुमको अंधेरे में तीर चलाने का जरूरत नहीं होगा। हम लोग वही चीज पढ़ाएंगे जो आईएमयू सीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। और बात रही एप्टीट्यूड की, इंग्लिश की, ये सब चीज तो ट्रिकी चीज है, मतलब इसमें तुमको अच्छे से समझ लेना है। छोटी छोटी क्लासेस होंगी, उसमें तुमको कुछ कुछ चीजें होती हैं जो चीज तुम समझ लोगे अच्छे से तो इजीली हो जाएगा। तो मान लो तुम्हारा पीसीएम उतना अच्छा नहीं है, तुमको लग रहा है पीसीएम नहीं कर पाओगे, बट एप्टीट्यूड इंग्लिश तो है ना तुमको बचाने के लिए, तो क्लासेस ज्वाइन करो, अच्छे से क्लास अटेंड करो, बस उसके बाद से क्या है, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, एक अच्छा रैंक तो सिक्योर कर लोगे। और अभी हम लोग 10 मई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि 30 डेज का क्लासेस होगा। जैसे ही वो बैच खत्म होगा, नेक्स्ट डे आईएमयू सीटी रहेगा, तो हम लोग इसी तरह उस बैच को प्लान भी कर रहे हैं कि तुम्हारा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर बात करें कि तुम लोग पूछोगे कि हाँ भैया हम क्यों ज्वाइन करें आईएमयू मेट, मतलब ऐसा क्या है आईएमयू मेट में, तो सबसे पहले तो आईएमयू मेट का लास्ट ईयर का रिजल्ट हम बता देते हैं, जहाँ बहुत कोचिंग वाले मतलब अपना रिजल्ट पब्लिश करते हैं तो 500 रैंक 700 रैंक दिखाते हैं। सो हमारा रैंक उतना ज्यादा तो नहीं है, हम लोग का मतलब थोड़ा उनसे अच्छा ही कहेंगे। सबसे पहला था हमारा रैंक 79, राजवर्धन सिंह राठौर। अगर आप पिछले साल का
IMU सिटी का लिस्ट है, तो उसमें देख सकते हैं अभी वो IMU चेन्नई में है, सिनर्जी स्पॉन्सर्ड। उसके बाद है मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह IMU सिटी रैंक 178 और स्पॉन्सर्ड बाय MSC। उसके बाद सॉरी 178 जो था वो यशराज सिंह का था एंड 179 था राजवर्धन सिंह राठौड़, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, 78 यशराज सिंह का था जो कि सिनर्जी स्पॉन्सर्ड है एंड 179 था राजवर्धन सिंह राठौड़ का जो कि सिनर्जी स्पॉन्सर्ड था, एंग्लो ईस्टर्न स्पॉन्सर्ड था, ग्रेट ईस्टर्न स्पॉन्सर्ड था। और यशराज भी जो 78 रैंक था वो भी कम कंपनी रैंक था, वो भी कम कंपनीज में स्पॉन्सर्ड नहीं था, सिनर्जी स्कॉर्पियो एंग्लो ग्रेट ईस्टर्न वो भी चार कंपनी से स्पॉन्सर्ड था। सो ये होता है हमारा प्रिपरेशन का लेवल, और ये तो पिछले साल का था। अभी हमारा जो स्पॉन्सरशिप का चल रहा है इसमें हमारे बच्चों ने तो फोड़ दिया एकदम। एंग्लो ईस्टर्न में अभी सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है और अभी ही 15 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। कितने बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने मतलब 15-20 ऐसे बच्चे हैं जो मुंबई वाला राउंड क्लियर कर चुके हैं, अब दिल्ली वाले राउंड के लिए उनका बचा हुआ है, और 40-50 बच्चों का तो अभी इंटरव्यू डेट भी नहीं आया। सो सब एकदम अच्छे से तैयार करके हैं, और अभी अभी फ्लीट का भी आज मेल आया है सबको, तो फ्लीट ने 60 बच्चे लिया है IMI के लिए, उसमें से 14 बच्चे IMU मेट के हैं। तो इसी से पता लग जाएगा कि IMU में किस लेवल की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। तो डिले ना करें, अगर चाहते हो कि तुमको भी एक अच्छा गाइडेंस मिले, मतलब एक सही रास्ता मिले जहां पर तुम चलो और तुमको अच्छे से स्पॉन्सरशिप मिल जाए, तुम्हारा IMU सिटी में रैंक आ जाए, तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और हमारा इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, और एक कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट करो और एडमिशन ले लो। 10 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, 9 तारीख को लास्ट एडमिशन डेट है, तो फटाफट एडमिशन करो और एडमिशन ले लो, डिले नहीं करने का। तो चलो इसी के साथ चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।